नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। गुस्साए व्यापारियों ने अनाज मंडी बंद की है। खुर्जा में लूट करने आए बदमाशों ने कल एक व्यापारी को मारी गोली। पुलिस के हाथ अभी तक है खाली। लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गल्ला व्यापारियों को कल मारी थी गोली। गल्ला व्यापारी राजत वर्सोने की हालत गंभीर। मंडी व्यापारियों ने पुलिस को दी थी चेतावनी, बदमाश न पकड़े जाने पर अनाज मंडी रहेगी बंद। घर से नई मंडी अपनी दुकान पर लाखों की नकदी लेकर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था पीड़ित व्यापारी। पुलिस ने आला अधिकारी से बदमाशों को जल्द पकड़ने का दिया था आश्वासन। खुर्जा सीओ गोपाल सिंह व इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने व्यापारियों को काफ़ी समझाने का किया प्रयास। व्यापारियों ने सोमवार तक का दिया है टाइम। मेरा नाम विनोद पहलवान है। पहलवान जी, ये जो मंडी बंद है, क्या है पूरा मामला, क्या आपकी मांग है? मंडी बंद इसलिए है कि कल हमारा व्यापारी सुबह अपनी दुकान पर प्रतिष्ठान खोलने के लिए आ रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसका बैग लूटने की कोशिश की। उसने हमारे व्यापारी ने बहुत ही जीदारी और उसका प्रदर्शन किया, अपना बैग नहीं दिया। उन व्यापारियों पर हेलमेट से हमला भी किया। जब वो विफल हो गई लूट में, तो फिर उन्होंने उस पर फायरिंग की और उसके पेट में गोली लग गई है। वो क्रिटिकल स्थिति में नोएडा कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी सर्जरी हुई है कल भी और जीवन मौत से जूझ रहा है। जो मंडी बंद है उसकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो भी लुटेरे हैं, जिन्होंने लूट किए, परसों एक मौजम प्रधान का मर्डर हो गया इसी रोड पर और कल ये हमारे व्यापारी के साथ घटना हो गई, उसमें जो है हमें ये मांग है कि वो लुटेरे पकड़े जाएँ। उन्होंने सख्त सजा दी, उन्होंने चौराहे पर एनकाउंटर किया जाए। पूरा जिला, पूरा उसका जनता उसके पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ है। जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? मांग पूरी न होने पर हमारी पूरी जिला की मंडियों में संपर्क हुआ है। पूरे जिले की मंडियों को एकत्रित करके जिलाधिकारी और SSP ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि उसके बाद भी नहीं खुलता तो पूरे जिले की मंडियां बंद होंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें हम यदि सफलता नहीं मिलती उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखी जाएगी। प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।